गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। टुडे इज अ बिग बिग डे फॉर इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का बजट पेश कर रही हैं। वो देश के सामने बही खाता पेश कर रही हैं। आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है। इस बार टैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी मेड इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं उसका निर्मला सीतारमन ने कहीं ना कहीं ध्यान रखा है। इस बजट को जो अभी निर्मला सीतारमन लगातार आप तस्वीरों में देख रहे थे, जो बजट को पेश कर रही हैं संसद में, इसको ब्रीफली समझने के लिए मेरे साथ सीए पुलकित अरोड़ा जी मौजूद हैं और सीए रजनीश शुक्ला जी मौजूद हैं। ये हमको बजट समझाने में और बजट की बारीकी तक जाने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक क्या कुछ रहा बजट में, मैं अपडेट्स आपको एक बार बताता हुआ चलता हूं। स्वास्थ्य का इस बार ख्याल रखा गया है। 94,000 करोड़ से जो पिछले बार था उससे बढ़ाकर उसको 2.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा निर्मला सीतारमन ने बताया है। संसद से वो लगातार देश को बता रही है कि क्या कुछ सस्ता होने वाला है और क्या कुछ महंगा होने वाला है, देश में किस तरीके से बजट जो है आगे चलेगा इस पर बात चल रही है। रजनीश शुक्ला जी, ये बताइए कि बजट जो है अभी तक आपने सुना किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है? सर अभी नमस्कार काविंद्र जी, थैंक यू बजट सेशन के लिए। अभी तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है। आप देखो तो रेल की तरफ, रोड के लिए, और आप कह सकते हो हर तरीके के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने फंड प्लान किया है, जो डिटेल धीरे धीरे करके आ रही है, जिसको हम आगे साथ का साथ पूरे दिन में आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यस, कोविड के लिए इन्होंने, नोवेल कोविड के लिए और मेडिकल हेल्थ के लिए आप कह सकते हो अच्छे इन्वेस्टमेंट को इन्होंने प्रपोज किया है इसमें। बिल्कुल, देखिए कोरोना के टाइम जो इकोनॉमी को जो झटका लगा था उस झटके से उभरने के लिए कि देखिए आईएमएफ की रिपोर्ट जो है रजनी जी, वो आईएमएफ की रिपोर्ट ये बताती है कि 11.5% जो है ग्रोथ रेट इस बार देखने को मिलेगा। ये आईएमएफ की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो जो पहले जो हमारी इकोनॉमी का जो हाल था वैसा हाल आने वाले समय में थोड़ा ठीक होता नजर आएगा, लेकिन बजट में इसके लिए क्या कुछ है, बजट में ऐसा क्या कुछ आपको नजर आया जिससे इससे उभरने की कोशिश की गई हो? सर आप लॉन्ग रन की बात करो और इकोनॉमी को करेक्ट करने की हम बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा अपने आप में बहुत मैटर करता है व्हेन यू वांट दिस इन लॉन्ग रन। तो अभी तक तो डायरेक्शन ठीक है और आप देखो तो शेयर मार्केट भी अभी तक तो सपोर्ट कर रही है। अब आप देखिए इनका कैसे कैसे आगे फॉलो होता है बजट, तो बजट के बाद ही कुछ सही निकल के आएगा कि कैसे मार्केट या रिस्पॉन्स निकल के आ जी। पुलकित अरोड़ा जी, ये बताइए अभी तक जो बजट देखा गया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर सड़कों के बारे में भी जिस तरीके से निर्मला सीतारमन ने बताया कि तमिलनाडु में इतनी इतनी सड़कें बनाई जा रही हैं, इनका भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात लगातार हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ अभी तक नज़र आया आपको? कुछ खुलेगा, कुछ पिटारे से कुछ निकलेगा ऐसा दिखता है? अभी तक जो निकल के आया है बजट में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.15 लाख करोड़ रेलवेज के लिए अलोकेट किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करी है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात करी है और 85,000 करोड़ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है बाय मार्च 2022। जिस तरीके से 15 हेल्थ इमरजेंसी सेक्टर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की बात की गई है, ये जो कोरोना के टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरीके से जो कमजोरियाँ हमें दिखी थी तो उसको ध्यान में रखकर ये चीज़ ध्यान दिया गया है क्या? बिल्कुल, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ सेक्टर को 6 पिलर्स में से एक मेजर पिलर माना है कि हेल्थ एंड वेलबींग एक मेजर पिलर होगा हमारा आगे हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज जब बजट पेश होने वाला था उससे पहले आपको बता दूँ कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो थे वो हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर वो यहाँ पर आते हैं। इस बार टैब के थ्रू, इस बार पेपरलेस बजट नहीं है, इस बार टैब के थ्रू निर्मला सीतारमन जो लगातार तीसरी बार देश का बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने टैब का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है मेड इन इंडिया, ये रजनीश जी आपको ऐसा लगता है कि जो टैब का इस्तेमाल किया गया, ये आत्मनिर्भर भारत जो मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है उसके चलते ये सब करा गया? सर आप देखो तो पीछे के कई सालों से सरकार टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैसेज बहुत बढ़िया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे बता, हाँ तभी मैंने कहा। अब आप अगर देखो तो ई वर्ड और आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से हमारा देश भी बढ़ा है और खासकर कोविड ने काफ़ी प्रमोट किया है इसको, जैसे आप वर्किंग फ्रॉम होम और सारी चीज़ों की बात करी है। अभी आप देखो जैसे जैसे बजट प्रोसीड कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने MCA वर्जन 3 की भी चर्चा करी जहाँ पर ई मैनेजमेंट और कंट्रोल्स की सारी इन्होंने बात करी है। तो यस, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा इंटरेस्ट और तेज़ी से बढ़ेगा जैसा कि बजट
लेके जाने की बात करते हैं। प्लीज सर, जो सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर दो तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। इस बार के बजट में निजीकरण का बार बार जिक्र हो रहा है, ये निजीकरण किस तरीके से और क्या क्या किस सेक्टर में करने जा रहे हैं? सर, पिछली डिस्कशन में भी हमने कहा था सरकार को अपने इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से फंड इकट्ठा करने के लिए, रिसीट इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और प्राइवेटाइजेशन अगर मैं अपना पर्सनल व्यू लूँ तो अगर कंट्रोल और मैकेनिज्म अच्छा होता है कल को और हम अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने में इंडिया बेटर हो पाता है तो ये भी अपने आप में एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए निर्मला सीतारमण जो है वो संसद से लगातार बोल रही हैं, वो बजट में क्या कुछ होने वाला है वो लगातार बता रही हैं। तो इसलिए अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं, देखिए निर्मला सीतारमण क्या कुछ बोल रही हैं। Had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens, who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement, if you ask me. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the principal chief commissioner, the highest level of income tax department. Setting up the dispute resolution committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation, which masks the present taxation system. The government came out with the direct taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 1,10,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless ITAT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center
all communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to REIT and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax-efficient zero coupon bonds. Affordable housing. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by one more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects.
tax incentives to IFSC. As I mentioned in part A of this speech, the government is committed to making the International Financial Services Centre in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors,